नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से है। हक की बात जिलाधिकारी के साथ का हुआ बड़ा कार्यक्रम, जिलाधिकारी ने महिलाओं को दिए टिप्स। कचहरी परिसर स्थित जिला पंचायत सभागार कक्ष में मिशन नारी शक्ति अभियान के अंतर्गत हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्कूली छात्राओं के साथ साथ घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं मौजूद रहीं, जिन्होंने अपनी समस्या जिलाधिकारी को बता उनका समाधान मांगा। इस कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने छात्राओं व घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और उनका समाधान भी करवाया। इस दौरान आज के कार्यक्रम के जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जय के साथ साथ मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव, महिला थाना प्रभारी मोनिका चौहान, बेसिक शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सिंह व समाज सेवी समृद्धि त्यागी मौजूद रहीं। वहीं आज के इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जय ने ऑनलाइन भी समस्याएं सुनी, जिसमें सम्राट इंटर कॉलेज की छात्राओं ने स्कूल में जाते समय अज्ञात युवकों पर छींटाकशी की बात कही तो एक छात्रा ने घर की आर्थिक स्थिति सही न होने की दशा में आगे की पढ़ाई किस तरह जारी रखी जाए, तो वहीं एक महिला के द्वारा बताया गया कि उसका पति रात्रि के समय शराब पीकर उसके साथ मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाल देता है, तो इन स्थिति में हम क्या करें। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जय ने इन सभी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुन उनकी समस्याओं का समाधान किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जय ने बताया कि महिलाओं की व्यक्तिगत समस्याओं को छोड़कर उनकी कुछ अलग समस्याएं भी होती हैं। उन्हीं समस्याओं को लेकर आज यहां हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज यह इस कार्यक्रम के दौरान पढ़ाई, क्राइम व स्वास्थ्य का लेकर समस्या सुनी जा रही हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। कोई भी महिला महिला के ऊपर भी नहीं कर सकते हैं, महिला पुरुष के ऊपर नहीं कर सकते, ये भी होता है, महिला पुरुष के ऊपर भी करते हैं, ये नहीं रूल आउट कर सकते हैं, या पुरुष महिला के नहीं कर सकते हैं।